इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है। ठीक, नेक्स्ट सम है हमारे पास। पहले दो टर्म्स हैं, इनको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि सेंटर में ऐड का साइन दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो 7 + 7 = 14, 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 9 = 17, 8 + 1 = 9, सॉरी 3 + 1 = 4, 7 + 7 = 14, 4 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, 8 लिख दिया। ठीक है, 8 + 9 = 17, 1 कैरी, 8 + 1 = 9, 3 + 1 = 4। अभी जो आंसर आया है इसको और इस वाले टर्म को क्या करना है, हमने माइनस करना है। अब 4 में से 3 माइनस करो 1, 8 में से 1 माइनस करो 7, 7 में से 4 माइनस करो 3, 9 में से 3 माइनस करो 6, 4 में से 3 माइनस करो 1। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, लास्ट सम है हमारे पास। पहले जो दो टर्म्स दी हुई हैं उनको क्या करना है, माइनस करना है। सो 9 में से 4 गए 5, अब 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो 1 क्या करेगा, 3 से 1 बोरो करके खुद को 11 बनाएगा। तो 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे क्या रह गया, 2। अब 2 में से 4 तो फिर नहीं जा सकता है, तो 2 क्या करेगा, इस वाले 2 से 1 बोरो करेगा, खुद को क्या बनाएगा, 12, और यहाँ पे क्या रह गया, 1। अब 12 में से 4 गए 8। ठीक है, अब यहाँ से, यहाँ पे देखो 1 से 5 तो जा नहीं सकते, तो 1 इस 9 से 1 बोरो करके खुद को 11 बना लेगा। 11 में से 5 गए 6, अब यहाँ पे क्या बच गया, 8। सो 8 में से 6 गए 2। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, अब 1 में से 2 तो जा नहीं सकता था, तो 1 ने इस वाले 3 से 1 बोरो करके खुद को 11 बना लिया, और 11 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा था, 2। अब 2 में से 4 तो फिर नहीं जा सकते थे, फिर नहीं माइनस हो सकता था, तो इस 2 ने क्या किया, इस वाले 2 से 1 बोरो करके खुद को 12 बना लिया, और 12 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 8। अब इस 2 के पास फिर 1 बच गया ना, तो 1 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो 1 क्या करेगा, इस 9 से 1 बोरो करके खुद को 11 बनाएगा, 11 में से 5 माइनस किया क्या आ गया, 6। अब एट लास्ट यहाँ पे 9 के पास क्या बच गया, 8, 8 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया, 2। अब जो ये आंसर आया है इसको, इस लास्ट टर्म को हम सॉल्व करेंगे, और क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस दिया हुआ है। 2 6 8 9 5, इन दोनों को माइनस करना है। 5 में से 5 गए 0, 9 में से 0 गए 9, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1। सिंपल माइनस थी ये, तो ये हमारा जो आंसर आया है क्या है, 14,790। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास ये सम तो कंप्लीट हो गया, तो जो हमारा जी पार्ट है सेकंड सम का, वो थोड़ा बाकी सम से डिफरेंट है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, साइंस कैसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, जब भी दो नंबर्स के बीच में एक प्लस का साइन हो एक टर्म के आगे, और दूसरे टर्म के आगे माइनस का साइन हो, तो प्लस और माइनस अगर दो साइंस हैं तो रिजल्ट हमारा जो है वो माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 है, 5 यहाँ पे प्लस का है ना, कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस का है वो। 5 प्लस का है, 3 के आगे माइनस है, एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, तो प्लस माइनस
माइनस, दैट मीन्स 5 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से 3 गए 2। एक तो ऐसे देखना है, सेकंड चीज हमें क्या देखनी है, साइन, कि इस 2 के आगे साइन कौन सा आएगा। साइन हमेशा उस टर्म का आता है जो टर्म बड़ी होती है, जैसे 5 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है ना, तो 5 के आगे साइन कौन सा था, पॉजिटिव, तो 2 के आगे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दैट मीन्स प्लस और माइनस अगर दो साइंस हैं तो जो हमारा ऑपरेशन लगना है, जो हमने मतलब सम सॉल्व करना है, वो माइनस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक, कोई और एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं इसके लिए। जैसे एक टर्म मान लो माइनस 7 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, ये है हमारे पास। ठीक है, 3 और 7 है, 3 पॉजिटिव है और 7 जो है वो नेगेटिव वाला है। जब भी प्लस और माइनस हो, प्लस और माइनस होने पे क्या करते हैं हम लोग, हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म प्लस की थी, एक माइनस की थी, तो हम रिजल्ट जो है वो कैसे आएगा, माइनस करने पे आएगा। दैट मीन्स 7 में से हम 3 माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस करो क्या आता है, 4 आता है ना, तो 4 लिख दिया। अब हमने साइन देखना है कि साइन हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 के आगे साइन पॉजिटिव था, 7 के आगे साइन नेगेटिव था, और साइन हमेशा वो वाला आता है जिसकी टर्म, मतलब साइन हमेशा वो वाला आएगा जो जो बड़ी टर्म के आगे होगा। जैसे अब 7 और 3 में से 7 बड़ा है ना, तो 7 के आगे क्या साइन है, नेगेटिव का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स प्लस का 3 और 7 जो है माइनस का है, 3 माइनस 7 करने पे हमारे पास क्या आता है, -4। साइंस आपने इस अकॉर्डिंग देखने हैं। सेकंड चीज जो आपने करनी है वो देखना है कि साइन पॉजिटिव का आना है कि नेगेटिव का आना है, वो देखना है आपने टर्म के अकॉर्डिंग भी कौन सी टर्म बड़ी है। अब जैसे अगेन देखो, अगर एक टर्म माइनस की है, अब जैसे एक टर्म माइनस की है, एक टर्म पॉजिटिव की अगर होगी तो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और साइन देखेंगे उस अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन सी टर्म बड़ी है। अगर बड़ी टर्म के आगे नेगेटिव साइन है तो रिजल्ट के आगे भी नेगेटिव लग जाएगा, अगर बड़ी टर्म के आगे पॉजिटिव साइन है तो रिजल्ट के आगे पॉजिटिव साइन आएगा। थर्ड जो रूल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, माइनस माइनस, अगर दोनों टर्म्स के आगे माइनस है तो हम उस पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस करना है तब। जैसे अभी एग्जाम्पल है, 5 है, 3 है, 5 के आगे भी माइनस है, 3 के आगे भी क्या है, माइनस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब 5 + 3 कितना होता है, 8 ना, 8 आ गया। अब हमने साइन देखना है, साइन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी टर्म होगी उसके आगे जो साइन होगा वही रिजल्ट के आगे साइन आएगा। अब 5 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 5 है ना, 5 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो रिजल्ट जो आया था हमारा उसके आगे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं अगेन आपको एक बार बता देती हूँ, जब भी प्लस और माइनस हो तो जो हमने फाइनल रिजल्ट अपना निकालना है वो उसमें क्या करना है, माइनस निकालना है। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस तो माइनस करना है, अगर माइनस माइनस है तो क्या करना है, प्लस करना है। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस तो माइनस करना है, अगर माइनस माइनस है तो प्लस करना है। अब जैसे यहाँ पे 5 और 3 था, 5 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग माइनस करना है। तो 5 में से 3 गए 2, अगर माइनस प्लस हो तो भी क्या करना है, माइनस करना है। माइनस प्लस है तो माइनस करना था, 5 में से 3 गए 2। अब साइन देखना है, साइन में 5 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 + 3 8, साइन 5 बड़ा था इसके आगे माइनस था तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, माइनस आ गया यहाँ पे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सम है जी पार्ट, उस पर ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे टर्म्स जो मैं दी हुई थी, 1003 माइनस 5911 माइनस 3284। अब 1000 में से 5000 वाली टर्म तो माइनस नहीं कर सकते है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाले टर्म और इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। अब देखो माइनस माइनस, जब भी माइनस माइनस था तो हम लोग क्या करते थे, प्लस ना, इन इन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी करना है माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स हम दोनों ने इन इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 + 1 इज 5, 8 + 1 इज 9, 9 + 2 इज
इलेवन, वन कैरी, फाइव प्लस थ्री इज एट, एट प्लस वन इज नाइन। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आया, नाइन वन नाइन फाइव। पर अगर हम इसका साइन देखें, इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी थी, फाइव वाली ना, तो फाइव के आगे साइन कौन सा था, माइनस ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आया था वो क्या था, माइनस नाइन वन नाइन फाइव। अब हमने इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करना है। ठीक, अब ये टर्म पॉजिटिव की है और ये वाली टर्म माइनस की थी, तो प्लस माइनस माइनस करना है। तो अब बड़ी टर्म जो थी वो पहले लिखेंगे, बड़ी टर्म कौन सी है, नाइन वाली ना, तो उसको पहले लिखेंगे। और उसमें से कौन सी टर्म माइनस करनी है, वन वाली। अब प्लस माइनस माइनस ना, तो इनमें से, तो इनमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फाइव में से थ्री गए टू, नाइन में से जीरो गए नाइन, वन माइनस जीरो वन, नाइन माइनस वन इज एट। अगेन यहाँ पे हमने देखना है, अगेन हमने यहाँ पे देखना है साइन का। अब प्लस और माइनस, तो माइनस आ गया था तो माइनस हमने सॉरी, प्लस और माइनस था तो माइनस हमने कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस करना होता है ना, तो माइनस हमने कर दिया। अब हमने साइन देखना है। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी थी, ये वाली, और उसके आगे साइन नेगेटिव था ना, तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया है, माइनस एट वन नाइन टू। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट है, और इसके जो बाकी के सम्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे।